धारबहू सांसद ने की जनता से अपील। छतर सिंह दरबार ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए कही जनता से अपील। कहा, तेजी से फैल रहा है कोरोना, जिसमें आपको और हमें अत्यंत आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाना है और बार बार हमें साबुन से हाथ धोते रहना है, साथ ही में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है और शासन के द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करना है। आपके सहयोग से ही इस बीमारी से लड़ा जा सकता है और बगैर मास्क के कोई भी घरों से बेवजह बाहर न निकले। कोरोना की यह दूसरी लहर है, इसमें हमें बहुत सावधानी रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही में मास्क सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। मैं जतन सिंह धर्मार, सांसद धारबहू लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश। जनता कर्फ्यू लगाया गया, इसके बारे में बताएं। ये आवश्यक है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जनता कर्फ्यू बहुत आवश्यक है और इसके अभी इससे बचने के तीन ही उपाय हैं। पहले 100% हम मास्क का प्रयोग करवाएं और सोशल सामाजिक दूरी रखें और सैनिटाइज करें हाथों को बार बार धोएं। तो ये जनता कर्फ्यू का अर्थ ये है कि भीड़ भाड़ न हो, दुकानों पे भीड़ ना लगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और इस वायरस को फैलने से रोका जाए। और ये जो पहले प्रयास किया था, 2 दिन का लॉकडाउन किया शनिवार रविवार का, फिर भी इसके मरीज बढ़े हैं हमारे जिले में, आसपास के जिले में, प्रदेश में। तो इसको रोकने का मात्र एक ही उपाय है कि मनुष्य मनुष्य की दूरी रहे और एक दूसरे से संपर्क में ना आए, और इसीलिए ये जनता कर्फ्यू लगाया गया। इसमें जनता कर्फ्यू लगाने के पहले सभी मीडिया भाइयों से, व्यापारी संगठनों से, जनप्रतिनिधियों से और शासकीय अधिकारियों से सब आपस में सलाह मशवरा कर ये जनता कर्फ्यू लगाया गया और निश्चित रूप से जनता कर्फ्यू सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और ये अपने जो कोविड जो अपने महामारी का है इसकी चेन टूटेगी, कोरोना की चेन टूटेगी और निश्चित रूप से ये महामारी रुकेगी और इसमें हम विजय हासिल करेंगे। आम जनता से निवेदन है, ये जो भी नियम कायदे प्रशासन शासन की ओर से लगाए जा रहे हैं, मात्र इस पर शासन का कोई भला बुरा नहीं है, मात्र मानव जीवन की रक्षा के लिए ये लॉकडाउन वगैरह लगाए। जनता से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी ही जान बचाने के लिए नियम है, कृपया आप सभी इसमें सहयोग करें। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मनावर से रफीक खान की रिपोर्ट।